Hey everyone, what's up? This is Sankalp Chauhan and I welcome you all on my YouTube channel. So in today's video, we are actually going to discuss about one of the most heated topic on the internet, which is about the demanding of the postponement of NEET and JEE examinations. Now, जिन लोगों को नहीं पता है कि NEET और JEE का examination क्या होता है, now these are the examination which are dedicated to the admissions in college of engineering and medical colleges. Now यहाँ पे hype क्या है exactly, like why people are so much concerned about the postponement of NEET and JEE. Now the first thing that really needs to be noted down here is that that around lakhs and lakhs of aspirant givers, like NEET and JEE examinations को around 15-16 लाख तो सिर्फ NEET के बच्चे देते हैं, फिर 10-12 लाख जो होते हैं वो JEE का एग्जामिनेशन देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस देते हैं. सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के साथ हम लोगों को डील करनी पड़ती है. तो इसकी वजह से जो और जिस हिसाब से अभी टाइमिंग अपना चल रहा है कोरोना वायरस का टाइमिंग, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है हमारे लिए कि इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकते हैं. सो पहला हमारा कंसर्न ये है. दूसरा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि द एक्सपोजिंग ऑफ द कोचिंग माफिया ऑफ कोटा राजस्थान. नाउ ये एग्जामिनेशंस कुछ बहुत आसान नहीं होते क्लियर करने के लिए. आप लोगों को सबको पता है कि कोटा में एक बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है. सो उस चीज़ का जो एक छोटा सा एक्सपोज जो आज हम लोग करेंगे, जो इंटरनेट पे आया है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग एंड जस्ट स्टे विद दिस. ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अमन अत्तरवाल, जिन्होंने कल को एक वीडियो निकाल दी थी कि वाई पोस्टपोनमेंट ऑफ द नीट एंड जेई शुड बी डन. अलॉन्ग विद हिम लाइक यूट्यूबर्स लाइक गौरव तनेजा सर, जिन्होंने एक पॉल निकाला था अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे कि पोस्टपोनमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट यूट्यूबर्स लाइक भुवन बाम और आशीष चचलानी ने भी इस चीज़ को, इस मैटर को कंसर्न किया कि इन्होंने अपने ट्वीट करके बताया कि क्या स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी कम हो गई है कि हम लोग इनके लाइफ को स्टेक पर रख के एग्जामिनेशन दिलवाएँ. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. हम सब लोगों को खूब अच्छे से पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस की सिचुएशन कितनी बुरी हो रखी है. लाइक देयर आर अराउंड 60 to 70,000 केसेस इमर्जिंग पर डे. सो ये कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है. एंड MIT की स्टडी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अराउंड 2,51,000 केसेस पर डे आने की आशंका है बाई February 2021. Now this was something which was published in by the study of MIT, and ये एक emerging concern है हम लोगों के लिए कि कोरोना वायरस की सिचुएशन कितनी बुरी हो रखी है और कितनी बुरी होने वाली है फॉर इंडिया. नाउ इस सिचुएशन में भी हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लग रहे हैं? हमारे एग्जाम्स. नाउ द कंसर्न अराइजेस कि आखिर एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम क्या है, राइट? आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे, लाइक एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई एग्री टू दैट, बट conditions should not be it's not something that can be ignored here, because जो हमारी authorities हैं उन्होंने कहा है कि certain standard operating procedures यानी कि SOPs जो हैं वो follow किए जाएंगे exam centers में, और बच्चों की पूरा ध्यान रखा जाएगा. social distancing और mask पहनने का पूरा ध्यान रखा जाएगा. बट इसी का ही हम लोगों ने एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही ख़राब एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग. नाउ कोविड के का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2020, उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सबकी मैं कहूँ तो धज्जियाँ उड़ गई थी, बिकॉज कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया जा रहा था. And these examinations are something which has to be given with a lot of concentration. Now बच्चों को ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि भैया मैंने मास्क लगा रखा कि नहीं लगा रखा या इधर उधर हो गया कि क्या हो गया, बट इंस्टेड ऑफ दैट बहुत ही ज़्यादा फोकस और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ये एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं. नौ 3 घंटे मिलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो उनमें दिमाग लगे या फिर वो बच्चे ये ध्यान रखें कि मास्क पहना है कि नहीं पहना है, कहीं मेरी सोशल डिस्टेंसिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, राइट? फिर दूसरी कंसर्न ये भी है कि इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में ऐसा हो रखा है कि लाइक असम ले लो या बिहार ले लो कि वहाँ पे फ्लड्स के चक्कर में, फ्लड्स के कारण जो है वो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है वहाँ पे. ना काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं जो कि अनप्रिविलेज्ड होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो भी इस एग्ज़ामिनेशन को देते हैं. लोग उनके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो कुछ लोगों के 100 to 200 किलोमीटर्स दूर होते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स. सो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, राइट? वो बच्चा जो है वो अपने घर से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचेगा और क्या वो सेफ़ है? Now the question arises कि हम लोग क्या कर सकते हैं, like what are the things that we can do so that we can contribute to the we can support the other students as well. ना हमारे हाथ में जो अभी फ़िलहाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्विटर के ट्रेंड टॉपिक, इस टॉपिक को ट्रेंड कराना है, इस टॉपिक को जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाने का हमारा काम है. काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टीचर्स को, पॉपुलर एजुकेटर्स जो कि अन अकेडमी पर हैं या फिर जो जिनका काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है जो कि पढ़ाते हैं यूट्यूब के थ्रू, उन लोगों ने भी कई सारी यूट्यूब वीडियोज़ और ट्विटर पे ट्रेंड कराया है. ये जो हैशटैग आपको यहाँ पे दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, इस हैशटैग को प्लीज़ चाहिए, यू ट्विटर पे जाके एक आध ट्वीट ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच विल बी वेरी यूजफुल टू द स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस. नाउ दीज एग्जामिनेशंस आर नॉट वेरी ईजी टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप समझिए कि जो स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करनी चाहिए, जो स्टूडेंट जिसको पूरी प्रिपरेशन के साथ ध्यान रखना चाहिए, वो लोग, वो बच्चे जो हैं वो अपना ट्विटर पे अकाउंट खोल रहे हैं और ट्विटर पे ट्वीट करा रहे हैं. सो अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दें इनके एफ़र्ट्स में तो आई थिंक कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो प्लीज़ जस्ट गो अहेड, अभी जाइए और ट्विटर पे इसको जाके ट्वीट कर दीजिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये कोचिंग माफिया क्या है, राइट? Now this is a topic which is very popular among the aspirants and several educators which are out there who teaches around about engineering and medical students कि भाई ये कोचिंग माफिया जो है वो exactly है क्या चीज़. ना अगर मैं आपसे कहूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ कोटा की अगर मैं बात करूँ कि जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है उसका एनुअल टर्नओवर अगर मैं आपसे कहूँ कि वो 1500 करोड़ रुपयों का है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, राइट? क्योंकि अराउंड 2 से 3 लाख रुपए जो है वो एक स्टूडेंट से निकाल लिए जाते हैं फॉर द टाइम ऑफ 2 इयर्स और 3 इयर्स में भी. सो इस हिसाब से अगर देखा जाए, लाखों करोड़ों बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील कि उनका एनुअल टर्नओवर 1500 करोड़ रुपयों का है. नाउ अभी इसमें माफिया वर्ड क्यों यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ दी NTA. नाउ NTA इज़ समथिंग विच इज़ ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है, राइट? बी इट नीट हो गया या JEE हो गया या और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हो गए. बेसिकली ये दो के बारे में ये लोग ध्यान रखते हैं कि यही इनके अंडर ही सारी चीज़ें होती हैं, राइट? सो अगर कोई नोटिस आता है या कोई पोस्टपोनमेंट का कोई नोटिस आता है या फिर कोई डेट चेंजेस के नोटिस आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि NTA के थ्रू ही आएंगे, राइट? क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और उन्हीं की तरफ से सबसे पहले नोटिस आना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले कोटा के एलन इंस्टीट्यूट के कोई सीनियर फैकल्टी थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक नोटिस ऐसा जारी किया जिसको NTA ने बाद में पब्लिश किया, राइट? सो ये चीज़ कैसे हो सकती है, राइट? कि NTA को बाद में पता लगी और आप लोगों को पहले पता लग गई. सो दिस इज़ अ कंसर्न कि ये चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ और जो हमारे NTA के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है बातचीत होती रहती है थोड़ी बहुत, और काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि NTA जो फैसले लेती है वो कोचिंग इंडस्ट्री से पूछ के लेती है. सो इनमें से ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग हो रही हैं आजकल. सो बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, बट ये चीज़ हो रही है. सो ये था एंटायर कोचिंग माफिया का छोटा सा स्कैम. छोटा सा नहीं कहेंगे क्योंकि वो लाइफ, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेक, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो स्टेक पे है इस वक्त. सो ये स्कैम था. सो प्लीज़ गाइज़, ये जो हैशटैग यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लीज़ जाके अपने ट्विटर हैंडल पे जाइए और इस हैशटैग के अंडर में प्लीज़ ट्वीट कीजिए, बिकॉज़ ये मैटर जो है वो कोई साइंस कॉमर्स वाली बात नहीं रह गई या साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाली कोई बात नहीं रह गई है. नाउ हियर इज़ समथिंग विच द स्टूडेंट्स रियली नीड योर सपोर्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. एंड अगर आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करता है यहाँ पर, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप ही के एज ग्रुप के हैं. सो प्लीज़ जस्ट गो अहेड, help them out so that they can end, so that our voice can be reached to the right authorities. So please चाहिए यहाँ पे और इस चीज़ को ट्रेंड कराइए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी तरीके से हम लोग. So this is it for the video and I really hope कि you must have got something from this, and thank you so much for listening to me. Thank you so much.